गाइस वेलकम टू अमीन ब्लॉग। और दोस्तों कैसे हो? बढ़िया। एक दिन गैप हो गया, एक दिन गैप छोड़ के मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ और आप लोगों को भी खुशी होनी चाहिए कि मैं ये ब्लॉग कर रहा हूँ। मैं ये जानी पहचानी जगह पे पहुँच गया हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं कहीं आया था और चार नमूने इधर है और चार नमूने दूसरे गाले। भाई मेरे को देख के गुटर रहे, बताओ ऐसे दिन आ गए ले हमारे कि लोग हमको देख के घुटने लग गए, अपनी मादी को नहीं। तो हम इनको खोलेंगे, बाहर छोड़ेंगे। फिलहाल तो ये खुले हुए और जो दो जोड़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में मतलब थंबनेल लगाया था, जिसका वो आपको शायद दिखाया नहीं रहूँगा, लेकिन आज दिखाऊँगा। आप तो हो जाओ तैयार देखने के लिए। एक और किधर है? और मैं इसकी बात कर रहा था, आपने ये देखा होगा इनको कि मैंने इनका थंबनेल रखा था। ये एक उस्ताद ने गिफ्ट किया है मेरे दोस्त को। और ये नर है, ये नर है और ये मादी है इसकी। माशाल्लाह बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, इसकी नस्ल जो भी निकलेगी बहुत अच्छी निकलेगी, बहुत प्यारी। उड़ान के कबूतर है, जल्दी कोई देता नहीं, बहुत महंगा कबूतर है और गिफ्ट में मिला है तो बात ही कुछ और है। और जो एक जोड़ी लाने गए थे, लेकर आए थे, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जोड़ा सही नहीं जम रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये नए कबूतर है जो अभी फ़िलहाल आए हुए हैं और ये ब्लैक कलर का आप लोगों को दिखाया नहीं था, आप देख लो। और ये गाले में भी है, वो भी नए आए हुए हैं, अभी और आएंगे ऐसे नए। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये मेरे कबूतर? अच्छे लगे तो कमेंट भी कर सकते हो और बुरे लगे तो भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब कबूतर के साथ जो सुकून मिलता है ना इंसानों को, वो किसी के साथ नहीं मिलता, ना मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऐसे खेलते हैं, इधर से उधर लहराते हैं, उड़ते हैं, तो उनको देखकर बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है और पालने में भी बहुत खुशी होती है मुझे। कि मैं बचपन में भी पाला था, कम से कम मुझे हो गया 10 साल हो गया मतलब कबूतरों से दूर होकर, और जो मैं अभी फिर से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, जो अभी अभी मैं उनसे जुड़ रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है जुड़ के कि हाँ भाई बहुत टाइम हो गया। उस टाइम पे हालत बहुत अलग थी और अभी कुछ अलग है, अभी मैं खरीद सकता हूँ, पाल सकता हूँ, मतलब ऐसे हालात है। उस टाइम पे मैं काम नहीं करता था, पढ़ाई करता था, तो ये सब चीज़ें हुई है 10 सालों में, जो कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है और अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। कबूतर कैसे लगे बताना ज़रूर। खुदा हाफिज़।